गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम एक क्वेश्चन रहता था, शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज दिस. मतलब तुम्हें मिडल टर्म दिखाने की ये आएगी, ठीक है. वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो फर्स्ट मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे कि ये बताया था, इफ n इज इवन देन n बाय 2 प्लस 1th टर्म इज मिडल टर्म, ठीक है. इफ n इज ओड तब हमारी दो टर्म्स होती थी, n प्लस वन बाई टू एथ टर्म एंड n प्लस वन बाई टू प्लस वन वनथ टर्म. तो दो टर्म्स होती थी. तो ये इवन में तो एक ही होती है और ओड में दो होती हैं, ये दो टर्म्स आ गई, ठीक है. तो लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा इवन होगा कि ओड होगा. 2n क्या होगा, हमेशा ही इवन होगा. इवन टर्म्स को ही हम किससे डिनोट करते हैं, 2 से. तो 2 आ गया क्योंकि इवन टर्म में हमेशा जो भी इवन टर्म होगी वो 2 से डिविजिबल होगी. तो ये टर्म हमेशा क्या रहेगी, तुम्हारी इवन. तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इवन टर्म, मिडल टर्म. मिडल टर्म क्या का फॉर्मूला क्या बताया, n बाय 2 प्लस 1th टर्म. किसका, जब भी जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है, इस n का, तो इस n की जगह ये लिख दे, ये n होता है ना, यहाँ पे कितना n है, 2n है. तो यहाँ पे 2n बाय 2 प्लस वन वनथ, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब n प्लस वनथ टर्म जो होगी वो हमारी क्या होगी, मिडल टर्म. तो t ऑफ n प्लस वनथ टर्म निकालना है. फिर मैंने क्या बताया था, जब t ऑफ n प्लस वनथ टर्म निकालते हैं तो वो एक कम करके निकालते हैं. तो क्या निकालेंगे हम, जैसे मैंने बताया था टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर आर एन माइनस आर और वाई की पावर आर. जब एक्स प्लस वाई की होल पावर क्या होती है, हमारी एन होती है, क्योंकि उसमें जो हमारी जो ये समेशन शुरू होता है, एन सी जीरो से स्टार्ट होता है. तो जीरो को काउंट करेंगे, 1 2 3, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, हमारी फर्स्ट टर्म. थर्ड टर्म कौन सी होगी, 2 वाली. तो हमेशा एक टर्म कम करके चलते हैं. तो यहाँ पे x और y की जगह, तो मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 2n है. n की जगह तो क्या है, 2n. तो यहाँ पे लिखूंगी n की जगह क्या है, 2n. r की जगह n है, वो पुट कर दिया. इसे कंपेयर करो, x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, तो मैं लिख देती हूँ n 2n माइनस n. और y की पावर, y की जगह क्या चल रहा है, x की पावर, r की जगह क्या चल रहा है, n. तो तुम्हें ये मैंने जनरलाइजेशन लिख दी कि अगर n nth है तो उसकी n प्लस 2th टर्म निकालेंगे. यहाँ पे n की जगह 2n है तो उसकी कौन सी टर्म आई, n प्लस 1th टर्म निकालनी है, मतलब tn प्लस 1 लिखना है. अब tn प्लस 1 के कंपैरिजन में पहले मैंने वो वाला लिखा जनरलाइजेशन, उसके बाद सबकी वैल्यूज लिख ली कि इस वाले कंपैरिजन में करेंगे, x की जगह 1 चल रहा है, y की जगह x चल रहा है और n की जगह 2n चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, r की जगह एन चल रहा है. उन सबको पुट कर दिया. ये वाली टर्म को अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाना है, ये क्या हो गया, टी एन प्लस वन टू एन सी एन, वन की पावर कुछ भी हो, वन ही रहता है, उसको हटा दो, एक्स की पावर एन, ठीक है. अब जो तुम्हें प्रूव करना था वो था टू प्रूव जो हमारी मिडिल टर्म आएगी वो क्या आएगी, वन मल्टीप्लाई, ये डॉट लगा रखे ना, तो मतलब मल्टीप्लाई में 2n माइनस 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू में 2n और x की पावर n. तुम्हें ये प्रूव करना है. वैसे तो हमारा रिजल्ट यहीं तक आ गया था कोफिशिएंट, लेकिन जो प्रूव करना है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 2n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, n फैक्टोरियल 2n माइनस n x की पावर n. देखो x की पावर n है, x की पावर n, वो तो कंपैरिजन में हो गया, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों को तो छेड़ना ही नहीं है. बस अब हमें सॉल्व करना है 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को. 2n फैक्टोरियल की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 2n माइनस 1. इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 2n माइनस 2. उसकी नेक्स्ट टर्म होगी 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म क्या होगी, 4, 3, 2, 1. हमेशा कोई भी फैक्टोरियल खत्म होगा, एंड पे कहाँ होता है. अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिखती हूँ तो तुम क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल को 10 मल्टीप्लाई 9, 8, 7, 6, कहाँ तक जाओगे, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 सब हमेशा एंड, जो फैक्टोरियल होगा वो एंड 4, 3, 2, 1 से ही होगा. यहाँ तक लिखा, नीचे चल रहा है n फैक्टोरियल, और मैंने इन दोनों टर्म्स को एज इट इज ही रखना है, x की पावर n और n फैक्टोरियल, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे. अब बचा इन दोनों में, इसमें हम क्या करते हैं, इवन टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं. ये इवन टर्म है, ये भी इवन टर्म है, ये भी इवन टर्म है, 4, 2. क्यों इवन टर्म्स हैं, 2 इधर से कॉमन लोगे, इवन टर्म आ जाएगी, ये भी इवन टर्म है. तो मैं ओड टर्म्स अलग लिख रही हूँ, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 होगा. लास्ट में क्या होगा, 7, 5,
थ्री वन, ओड टर्म्स इकट्ठी कर ली, इवन टर्म्स अलग लिख लो, टू एन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस फोर, अप टू सो ऑन, फोर टू, और लास्ट में चल रहा है एक्स ई पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, और नीचे चल रहा है एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसको तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है, वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन, वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन, ये तो आ गया। अब इसमें देखो, इसके अंदर से सब में से टू कॉमन ले लो, तो ये वन थ्री फाइव, इसको उल्टा लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, इसको हमें इवन टर्म्स निकालोगे। देखो इधर से टू निकाला एक, इधर बचेगा एन, इधर से टू निकालोगे एन माइनस वन, इधर से टू निकालोगे एन माइनस टू, अप टू सो ऑन, इधर से टू निकालोगे फोर में से टू और वन, और टू कितनी टाइम्स निकलेगा इन सब में से, एक एन टाइम्स तक है, तो टू की पावर एन आ जाएगा, एन टाइम्स हमारा क्या निकला, टू, एक्स की पावर एन बाय में एन फैक्टोरियल बाय में एन फैक्टोरियल, ये क्या बन गया हमारा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू कहाँ तक गया, वन तक, तो ये एन फैक्टोरियल ही हो गया। एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू कहाँ तक जाएंगे, लास्ट फैक्टोरियल हमेशा टू वन तक ही खत्म होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसी जगह एन फैक्टोरियल, ये और ये दोनों कट गए, आंसर आ गया वन थ्री फाइव कहाँ तक, टू एन माइनस वन तक, टू की पावर एन एक्स की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, यही हमें प्रूव करना था, जो हमारी मिडल टर्म आएगी वो ये आएगी, ठीक है। एक बार इसको दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कोफिशियंट्स ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार टर्म्स, उनके कोफिशियंट जो हैं किसके, इस एक्सपेंशन के, वन प्लस ए की होल पावर एन के, हम पहले तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालेंगे, वो आपस में किस रेशियो में है, वन रेशियो सेवन रेशियो फोर्टी टू, ठीक है। तो तीन टर्म्स लेनी है, अब तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कोई भी ले सकते हो, कोई लेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन तुम्हें जनरलाइजेशन लेके चलनी है। मैंने आर माइनस वन आर एथ टर्म और आर प्लस वन एथ टर्म क्या ले ली, कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तुम आर आर प्लस वन आर प्लस टू भी ले सकते हो, मतलब लगातार सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इसने क्या लिया, आर माइनस वन एथ टर्म आर एथ टर्म और आर प्लस वन एथ टर्म, तो तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। हमने तीन टर्म्स ये ले ली, ठीक है। इन तीन टर्म्स का रेशियो, पहले इन तीन टर्म्स की वैल्यूज निकालेंगे इससे, इसके कंपेरिजन में, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। और क्या लिखा है, कोफिशियंट लिखा है, कोफिशियंट का मतलब क्या होता है कि ए को छोड़ देना है, ए नहीं लेना, जैसे अब मैं यहाँ पे वन प्लस की होल पावर एन है, तो हमने कौन कौन सी टर्म ली, आर माइनस वन एथ टर्म आर एथ टर्म और आर प्लस वन एथ टर्म, तो मैं टी ऑफ आर माइनस वन एथ टर्म लिखूंगी। अगर मैं टी ऑफ आर माइनस वन एथ टर्म लिखूंगी तो इधर क्या लिखूंगी, एन सी आर माइनस टू, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें एक टर्म कम करके चलना है हमेशा, एन प्लस वन एथ, तो एक कम करेंगे तो एन सी आर माइनस टू होगा, और फिर क्या बनेगा, वन की पावर, इन दोनों का वन की पावर कुछ भी हो, वैसे तो ये बनेगी एन माइनस आर माइनस टू, ये लिखोगे, बट वन की पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ए की पावर आर माइनस टू, ठीक है। ये तो मैंने टर्म निकाल ली, लेकिन इसने क्या बोला, कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ दिस टर्म, इसका कोफिशियंट कौन होगा, ये इसको छोड़ देंगे, वन की पावर कुछ भी हो तो ये हट ही जाएगा, ये बचेगा इसको नहीं लेना, इसने लिखा कोफिशियंट, कोफिशियंट मतलब ये आ गया। तो ऐसे ही टी ऑफ आरथ टर्म का क्या आएगा, एन सी आर माइनस वन, कोफिशियंट लिख रही हूँ मैं खाली, वैसे बनेगी टर्म आर माइनस वन, आर प्लस वन एथ टर्म क्या बनेगी, एन सी आर ए की पावर आर। अब इन सबके कोफिशियंट बोलना है, तो इधर का कोफिशियंट, इधर का आर माइनस वन और इधर का एन सी आर, ठीक है। इन सबका आपस में रेशियो है वन रेशियो सेवन रेशियो फोर्टी टू, तो एक बार इन दोनों को डिवाइड करूंगी वन बाय सेवन ले लूंगी, एक बार एन सी आर माइनस वन और एन सी आर को डिवाइड कर लूंगी सेवन बाय फोर्टी टू, और कोई लिखना चाहे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो, मतलब एन सी आर माइनस टू बाय एन सी आर इज इक्वल टू वन बाय फोर्टी टू, तो इन तीनों का रेशियो लिख लिया, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों तीनों का रेशियो लिख लिया, अब इसको इसका कंपैरिजन तुम खुद करोगे, एन फैक्टोरियल आर माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट टर्म करके दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशन आ गई, उनसे एन और आर की वैल्यू आ जाएगी, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, एन निकालना था, एन की वैल्यू, ये कैलकुलेशन वर्क तुम्हें खुद करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसके अंदर एक्स दिखे ही ना, ये एक्सपेंशन दे दी। अब मैं पहले इसकी जनरलाइजेशन लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब है जिसमें एक्स की पावर खत्म हो जाए, और हो सकती है इसमें, क्यों, क्योंकि इधर पावर टू है और इधर सिक्स, इधर एक्स है नीचे, तो आपस में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी टर्म भी होगी जो खाली एक उसके पास एक्स होगा ही नहीं, तो मैं इसकी जनरलाइजेशन टर्म लिख रही हूँ। हमारी एक्सपेंशन में दे रखा है थ्री बाय टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाय थ्री एक्स की होल पावर सिक्स, ठीक है। अब इसमें इस एक्सपेंशन में
जैसे हम जैसे लिखते हैं, मैंने लिखा x प्लस वन बाय एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और इन टू ए बी वाले में टू बचेगा खाली, तो ये वाली टर्म जो आई मेरी इंडिपेंडेंट आई। तो वो यही बोला है, वो टर्म बताओ क्या आएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो फाइंड द टर्म, टर्म निकालनी है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, पहले जनरलाइजेशन लिख रही हूँ, हमारी x प्लस वाई की होल पावर n होता है, तो इसकी जनरलाइजेशन में t ऑफ r प्लस वन कैसे लिखा जाता है, एन सी आर x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये लिखते हैं। अब इससे कंपैरिजन करो, मैं इधर लिख रही हूँ टी आर प्लस वन, एन की जगह चल रहा है सिक्स, तो एन सी आर होता है सिक्स सी आर एक्स की पावर, एक्स क्या है ये वाला थ्री बाय टू एक्स स्क्वेयर की पावर सिक्स माइनस आर, ठीक है, क्योंकि एन माइनस आर थी, एन हमारा सिक्स चल रहा है और आर है ही आर ही, ठीक है, और फिर माइनस वन बाय थ्री एक्स की पावर आर। अब मैंने वो क्यों लिखा है, अब मैं इसमें से x कॉमन निकालूंगी कैसे, 6cr 3 बाय 2 की पावर 6 माइनस r, मैंने ये अलग कर दिया, और x की पावर 2 की पावर 6 माइनस r, ऐसे माइनस 1 की पावर r भी अलग लिख सकते हो, माइनस 1 अलग कर दिया 3, या फिर इसके साथ 3 भी ले लो, ठीक है, और 1 बाय x की पावर r, ये इकट्ठा कर लिया। अब x की पावर टोटल कलेक्ट कर लो, बाकी अलग रख लो, 6cr x 3 बाय 2 की पावर 6 माइनस आर, यहां से माइनस 1 बाय 3 की पावर आर, एक्स की पावर टोटल होगी यहां पे 12 माइनस 2 आर, 2 बाहर चल रहा है, 2 अंदर 6, 6 2 जा 12 माइनस 2 आर, और ये एक्स की पावर नीचे आर इकट्ठे लिख दी, 6 सी आर 3 बाय 2 6 माइनस आर माइनस 1 बाय 3 की पावर आर, यहां से एक्स की पावर कलेक्ट करो 12 माइनस 2 आर, जो टर्म नीचे अगर उसकी पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में जाएगी, तो 12x की पावर 12 माइनस 3 आर होगी। अब क्वेश्चन में बोला है वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, x इंडिपेंडेंट से, अगर x इंडिपेंडेंट होना तो x दिखना ही नहीं चाहिए, x कब नहीं दिखेगा, जब उसकी पावर क्या होगी जीरो, किसी की पावर जीरो होती है वो वन होता है, ये हट जाए। तो मैं क्या चाहती हूँ, ये वाली जो टर्म है 12 माइनस 3 आर वो क्या हो जाए हमारा जीरो, क्यों, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये x हट जाएगा और वो इंडिपेंडेंट बन जाएगी x से, तो ये बना हमारी r की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, तो हमारी फोर्थ टर्म वो है जो इंडिपेंडेंट होगी x से। तो बस अब हमारी, अगर तुमसे बोल दे वो टर्म भी निकाल दो, तो टी आर प्लस वन चल रहा था ना, तो मतलब वो फिफ्थ टर्म है, तुमसे बोले तो फिफ्थ टर्म है हमारी जो इंडिपेंडेंट ऑफ r है, r की वैल्यू 4 आई है ना, यहाँ पे 4 पुट करोगे तो फिफ्थ टर्म बन जाएगी, 6c4 3 बाय 2 6 माइनस 4 2 हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, और ये 4 आ गया। बस अब वो टर्म भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, 6c4 को 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर एज इट इज भी लिख सकते हो, और 2 की पावर 2 1 बाई 3 की पावर 4, और माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, इधर से कैंसिल आउट करोगे तो 3 की 2 पावर्स बचेंगी, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 बाय 4 इनटू में 9। अब इसको सॉल्व कर लेना है, वो टर्म आ जाएगी तुम्हारी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में पहले हम जनरलाइजेशन निकालेंगे, अगर तुमसे कुछ और भी बोल सकते थे, ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी पावर 2 होगी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल दो, तुमसे बोल दे टर्म निकालो जो जिसके अंदर x, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल दो, तुमसे ये बोल दे, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए मतलब मुझे यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो 12 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 2 लिख देना यहाँ पे, और इससे r की वैल्यू आ जाएगी और वो पुट कर देना, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम यहाँ पे इस चीज को पहले सारी x की कलेक्ट कर लो टर्म्स, और फिर 6 के इक्वल पुट कर दो, r आ जाएगा, r को पुट कर दो, वहां से x की पावर 6 का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत चेंजेस करके पैटर्न वही रहेगा सॉल्व करने का। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑफ दिस, तो ये टर्म क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, बस मैं इसकी ये लिख के दिखा देती हूँ इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसने, अगर x अंडर रूट और ये छोटा सा 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं टर्म लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1 बाय 3, जब भी x अंडर रूट और छोटा सा 5 लिख दें तो इसका मतलब है x की पावर 1 बाय 5, और अगर खाली और रूट में तो तुम्हें पता ही है x की पावर 1 बाय 2, लेकिन अगर बाहर छोटा सा भी कुछ लिखा हुआ है तो वो 1 बाय 5 है। तो ये क्या बन गई, x की पावर 1 बाय 3 बाय में x की पावर 1 बाय 3 2 के साथ और 18। इसने लिखा फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वही टी आर प्लस 1 करोगे, एन सी आर x की पावर 1 बाय ये है 18 माइनस r, वही लिखेंगे, इस ये वाले जो टर्म होते हैं उसमें से n माइनस आर करते हैं 18 माइनस आर, और इस वाले टर्म के अंदर r ही रखते हैं,
और यहाँ पे 18 पुट कर दो। अब एक्स ही टर्म्स कलेक्ट करोगे, ये 3 बाहर चला जाएगा, ऐसे इधर से एक्स ही सारी टर्म्स इकट्ठी करोगे, फिर वहां पे उसको इक्वेट कर दोगे 0 के इक्वल। ये खुद करोगे क्वेश्चन ट्राई, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप पे पूछ सकते हो। ये देखो एक्स ही कलेक्ट कर ली इसने, टोटल एक्स की कलेक्ट करके यहाँ पे आ गया, तो इस पार्ट को क्या पुट कर देंगे 0, वहां से 0 पुट के आर की पावर, आर की वैल्यू क्या गई 9, इधर 9 पुट कर दो तो उसका कोफिशियंट आ जाएगा, ये तुम्हारी टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, एक लास्ट वीडियो रहती है, इसके बाद तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम खत्म हो जाएगा।